हम ट्राई करने वाले हैं दिल्ली के मशहूर दही भले। तो अगर आप ज्यादा मसाला लगाकर खाएंगे तो उसका टेस्ट ही कुछ और। लेकिन इस दही बड़े की बात ही कुछ और है। मतलब कि इस अप टू यू कि आप इसे चटपटा खा सकते हैं, इसे मसालेदार खा सकते हैं। यहाँ के जो दही बड़े होते हैं वो खास तौर पे बहुत मीठे भी होते हैं और चटपटे भी होते हैं, मसाले होते हैं। और ओवरऑल कराची में सबसे मशहूर जगह है ये दही बड़े के हवाले से। तो आइए चलकर आपको दिखाते हैं और इनके ऑनर से भी बात करते हैं, जो कि यहाँ पे किस तरह से रेडी कर रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं, किस तरह से पार्सल बन रहा है, वो सब देखते हैं। चलें, मेरे साथ खालिद साहब यहाँ पे मौजूद है, जो कि यहाँ पर सारी चीज़ें देख रहे हैं और बना भी रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये रेडी कर रहे हैं और ये जो दिल्ली के मशहूर दही बड़े पाकिस्तान में, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे आया और इतने मशहूर क्यों हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा वायरल है ये चीज़, दही बड़े लोग अगर खाते हैं तो यहीं पर आते हैं, ऐसी क्या खास बात है आपके दही बड़े की? ये लोगों की मोहब्बत है कि वो यहाँ पे आते हैं, उनको अच्छे लगते हैं और टेस्ट है सबसे बड़ी बात, उसकी वजह से यहाँ पे आते हैं। सही। तो आपके जो दही बड़े होते हैं वो सिर्फ दही जो होती है नॉर्मली मीठी होती है, चटपटे खाना चाहे तो उसमें मसाले वगैरह कौन से यूज़ करते हैं आप? मसाले होते हैं लाल मसाला है, मसाले बने जो होते हैं वो खरीदते हैं। तो जैसे कि ये कह रहे हैं कि इनके मसाले बहुत मज़े के होते हैं और डिफरेंट किस्म के होते हैं, मतलब कि अगर ये होते तो वैसे मीठे दही बड़े हैं लेकिन इसके ऊपर आप जितने मसाले ऐड करेंगे तो वो चटपटा ही बन जाएगा, और अगर विदाउट मसाला आप यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल एक मीठे दही बड़े हो जाएंगे। तो अब इस वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरह से रेडी होते हैं, फिर मैं आपको दूंगी कप ऑफ फूड रिव्यू। जो कि यहाँ के जो कि बहुत ही मशहूर मसाले हैं, तो आइए चलते हैं और ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने मज़े के हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी है वो है इनका मसाला, जो कि मतलब नॉर्मली आप इजीली इसके ऊपर डाल सकते हैं, और होते ये मीठे ही हैं और दिल्ली के मशहूर दही बड़े हैं जो कि बहुत ही मशहूर हैं। अगर आप इसमें मसाले वगैरह ऐड करना चाहें तो और कर भी सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको करिए दिखा रही हूँ। इनके टू टाइप के मसाले होते हैं, एक मिर्ची टाइप होगा और एक नॉर्मल सा होगा। तो अगर आप ज़्यादा मसाला लगा कर खाएंगे तो उसका टेस्ट ही कुछ और। इसमें फुल मसाला डालने के बाद ही मज़ा आया है, बहुत नॉर्मल और बहुत ही मज़े का टेस्ट है, मतलब कि इसे बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं, बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। मुझे बहुत मज़ा आया। आप अगर कराची में मौजूद हैं या बस रोड में कभी आएँ तो आके ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत मशहूर इनके दही बड़े हैं और जो कि मुझे बहुत मज़े के लगे हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।